बेमेतरा जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान नेता योगेश तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है। उनके द्वारा हर स्तर पर उच्च अधिकारियों को जिला अस्पताल में हो रही गड़बड़ियों से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कायाकल्प योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला अस्पताल की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए टीम के सदस्यों को बताया कि बेमेतरा जिला अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। यहाँ के जिम्मेदार सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों से कोई सरोकार नहीं है। हालात बेहद खराब हैं। किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। जांच दल और यहाँ कायाकल्प के लिए कोई टीम आई हुई है। जब हमें पता चला तो हम लोग उनसे मिलने आए थे, अपनी शिकायत दर्ज करने आए थे, क्योंकि ये बेमेतरा जिला हॉस्पिटल सुविधाएं तो दी गई है लेकिन यहाँ रिफर सेंटर बन के रह गया है। छोटा छोटा यहाँ डिलीवरी नहीं हो पा रही लोगों का, डिलीवरी के भी पेशेंट जो आते हैं उनको रिफर कर दिया जा रहा है। इतनी सारा यहाँ स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, कभी कभी तकलीफ होता है कि जिला तो बनाया गया, सुविधा दिया गया लेकिन सुविधाओं को ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है। अगर सोनोग्राफी मशीन है तो उसको कोई संचालन करने वाला नहीं है, एक्सरे मशीन है तो उसको कोई संचालन करने वाला नहीं है। छोटी मोटी अगर किसी को पट्टी लगाना है, छोटा मोटा अगर कहीं चोट लग गई है तो पट्टी के लिए दवाई के लिए बाहर से मंगाया जा रहा है। इतना फंड देने के बावजूद यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके पहले भी मैंने शिकायत किया था, कोरोना काल में 7 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था आईसीयू निर्माण के, उसको बंदरबाट किया गया, उसमें घोटालेबाजी किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाए। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, सरकार ने जो भी योजना बनाई उसका फायदा मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया। तो सच्चाई है ना, जब कोई अधिकारी आता है जब उसकी जानकारी देकर आएंगे तो साफ सुथरा सब चीज व्यवस्थित, गुब्बारा उब्बारा लग के, बाकी समय हाल चाल तो मालूम है। इनको अचानक आना चाहिए निरीक्षण करने के लिए। कभी भी बगैर सूचना दे आप निरीक्षण करने जाओ तब उस हॉस्पिटल की सच्चाई पता चलेगा। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हैं यहाँ के लोगों को मिली भगत है, सब रिफर सेंटर बना लिए, सब पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, वहाँ लूटा जा रहा है लोगों को।